दोस्तों, आप सभी को एक क्वेश्चन होता होगा कि आज हमने जो पढ़ा है उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें। आप सबको पता है कि आप सभी जो देखते हैं, पढ़ते सुनते हो, यह सभी वाया न्यूरॉन आपके ब्रेन में ही स्टोर होता है। तो पहले आपको थोड़ी ब्रेन की जानकारी दे दी जाए। ब्रेन में ऑलमोस्ट 100 बिलियन सेल है, उसमें से 23 बिलियन न्यूरॉन्स जितने न्यूरॉन है जो ब्रेन में है। हर एक न्यूरॉन दूसरे करीब करीब 10,000 न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट 1.5 केजी होता है और वो उसके बॉडी वेट के 2% होता है, लेकिन ब्रेन इंस्पायरेशन में लिया गया ऑक्सीजन का 20% और आहार में से पैदा हुए ग्लूकोज का 25% प्राप्त करता है। वैसे तो ब्रेन बहुत जटिल स्ट्रक्चर है, तो हम आपको इसकी जटिलता में नहीं डालेंगे और सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आप अपनी याद रखने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपना जो भी डाटा, यानी कि जो आप पढ़ना या याद रखना चाहते हैं, उसको अलग अलग रास्तों से अपने ब्रेन में भेजिए। 60 से 70% लोग आँखों के जरिए ही डेटा को दिमाग में डालते हैं, लेकिन आपको आपके आँखों के साथ साथ जीभ से रटकर या कानों के जरिए सुनकर डेटा प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से पढ़ने से जो भी आप पढ़ते वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। जैसे कि आपके पास एक और मूवी की स्क्रिप्ट है और दूसरी और पूरी मूवी है, तो मूवी आपको 80 से 90% याद रहेगी, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट आपको 30 या 40% ही याद रहेगी। इसमें आगे यह है कि आप अपने डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें आपको यह करना है कि मान लो कि आपके पास एक लंबा सा डेटा है, जैसे कि 1 light year = 9460528405000, उसे आप 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कुछ इस तरह से। इस तरह से उसे याद रखने का आसान हो जाएगा और लंबे समय तक आपको यह याद रहेगा। इसमें दूसरी सिंपल टेक्निक यह है कि आप जो भी डेटा है उसे आप अपने किसी यादगार पोर्शन के साथ जोड़ दीजिए। मान लो कि यह एक नंबर है 36517571001945। इसको सीधी तरह से याद रख पाना बहुत ही टेढ़ा है, इसीलिए पहले तो आप उसे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 365 एक साल के दिन है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 100 cm = 1 meter होता है और 1945 में World War II का अंत हुआ था। इस तरह से आप अपने डेटा को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तीसरा है कि आप कभी कांस्टेंट पढ़ाई मत करो। हमने आपको पहले बताया कि एक न्यूरॉन दूसरे 10,000 न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप कांस्टेंट पढ़ाई करोगे तो आपके न्यूरॉन्स थक जाएंगे और आपने जो पढ़ा है वो पूरा याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कॉलेज या स्कूल की क्लास होती है वो आधे या पौने घंटे की होती है। आगे जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको कलर मार्क कीजिए। इसमें आपको पढ़ाई करते समय जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कलर कोडिंग देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो कलर मार्क के साथ आपके दिमाग में छप जाएगा। 5वें नंबर की टिप है कि आप अपने डेटा को अच्छी सी कहानी बनाओ। जैसे कि यह थोड़े से वर्ड है, आप उसे याद करने का प्रयास कीजिए। टेबल, पाव, सेब, चाकू, दान, दोस्त, टेलीफोन, रिक्शा, साबुन, दुकान, घर। आपको यह सभी वर्ड याद रखने के लिए कितना वक्त चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद भी आप पूरी तरह से ये याद न रख नहीं पाओगे। तो अच्छा है कि इसे आप कहानी में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। जैसे कि आपने टेबल पे पाव रखकर सेब को चाकू से काटकर दांतों से चबाया, उसी समय दोस्त का टेलीफोन आया और कहा कि वो रिक्शा से साबू को दुकान से घर ला रहा है। इससे आपको अच्छी तरह से और सीक्वेंस में याद रहेगा। अगली टिप्स है कि जितना ज़्यादा जीके उतनी अच्छी मेमोरी पाओ। एक सर्वे के मुताबिक जितना अच्छा आपका जीके उतनी अच्छी आपकी याद शक्ति है।
और आखिर में मेमोरी बैटरी को रिचार्ज करने वाली तरकीब यानी कि रिवीजन मोड। आप जो भी एक बार में पढ़ते हो वो 100% याद नहीं रहता, वो एक सर्वे के अनुसार 70-75% ही दिमाग में रहता है और यह प्रतिशत 24 घंटे के अंदर 18% पर आ जाता है और एक सप्ताह के बाद वो 10% पर ही रह जाता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि पूरा दिन पढ़ते ही रहना है, तो हमारा जवाब है नो। तो रिवीजन किस तरह से करें, तो उसका भी रास्ता है। निष्णातों के अनुसार हमें रिवीजन कुछ इस तरह से करना चाहिए। पहली बार रिवीजन 24 घंटे के अंदर ही करना चाहिए, दूसरी बार रिवीजन 24 घंटे के तुरंत बाद ही करना चाहिए और तीसरी बार रिवीजन एक सप्ताह के बाद, चौथी बार एक महीने के बाद, पांचवी बार 6 महीने के बाद रिवीजन करना चाहिए। इस तरह से रिवीजन करने से आपको जो भी डेटा है वो दिमाग में छप जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल काई फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।